इस बार बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक ऐसा क्लैश हुआ जो कि हर कोई चाह रहा था कि ना ही होता तो बेहतर होता। सैम बहादुर और एनिमल के बीच में एक क्लैश देखने के लिए मिला। दोनों ही मूवीज अपने अपने जॉनर में काफी अच्छी मूवीज थी। एनिमल जहां पे कि एक मास एंटरटेनिंग मूवी थी, तो वही सैम बहादुर एक ऐसी बायोपिक थी जो कि मुझे लगता है कि शायद अधिकतर लोगों को देखनी चाहिए थी। और इन दोनों ही मूवीज के क्लैश के बीच में देखिए नुकसान तो सभी को हुआ है, लेकिन जो बड़ा नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं सैम बहादुर को ही हुआ है। इसके बावजूद कि एनिमल बहुत तगड़ी कमाई कर रही है, बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, सैम बहादुर ने भी अपनी ऑडियंस को ढूंढा है और अच्छा खासा ही कलेक्शन करके निकाला है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सुपर डुपर बम्पर ब्लॉकबस्टर हो गई है, बट हाँ एक ठीक ठाक कलेक्शन इसने भी निकाल लिया है। वहीं एनिमल की बात करें तो एनिमल ने 10 दिनों के टोटल कलेक्शन में अभी तक कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है वर्ल्ड वाइड, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे में यहां पर क्या सैम बहादुर के साथ में इसको रिलीज करने को लेकर गलती करी गई, क्योंकि एनिमल की रिलीज डेट काफी पहले तय कर दी गई थी और सैम बहादुर की रिलीज डेट बाद में अनाउंस करी गई, जिसमें की बात निकलकर सामने आई कि दोनों ही मूवीज का क्लैश होगा। हाँ, ये चीज शायद करी जा सकती थी कि एक या दो हफ्ते बाद या 20 तारीख के आसपास में, तो खैर वहां पर तो सालार आ रही है तो उसके बाद में रिलीज कर देते। मतलब इस तरह की मूवीज क्या होती है ना यार, ये देखने लायक होती, मतलब कि पब्लिक ऐसी मूवीज को देखना चाहती है, बट उनके सामने अगर कोई दूसरा ढंग का ऑप्शन नहीं है तो। अब सैम बहादुर के साथ में जो होना था सगैर हो गया है, तो ऐसे में बात करें सबसे पहले अगर हम सैम बहादुर के ही कलेक्शन की, तो मेरे को मतलब मुझे तो इसका कलेक्शन ठीक ही लग रहा है। पहले हफ्ते में इस मूवी ने कुल कलेक्शन निकाला 39 करोड़ का, इसके बाद में से फ्राइडे को 3.5 करोड़ का कलेक्शन निकाला, डे 9 को इसने ऑलमोस्ट 100% की जंप दिखाई और 6.75 करोड़ का कलेक्शन निकाला, संडे को 7.79 करोड़ का कलेक्शन इसने निकाला है। अब आज का कलेक्शन इसका कैसा निकलता है ये हम देखेंगे, लेकिन अभी तक इसका टोटल कलेक्शन 57 करोड़ के आसपास जो है वो पहुंच चुका है। 57 करोड़ के आसपास पहुंचने का मतलब है कि इस मूवी का बजट जो बताया जा रहा था वो 50 से 60 करोड़ बताया जा रहा था, तो ये मूवी अपनी अपने बजट को तो कहीं ना कहीं रिकवर कर चुकी है। बाकी ओटीटी डील जो है, सैटेलाइट राइट्स जो है, इन सबको मिला मिलकर ये अच्छा खासा पैसा निकाल लेंगे। और ओटीटी के ऊपर ये मैं श्योर हूं कि सैम बहादुर को बहुत अच्छे व्यूज मिलेंगे, ये बात तय है। बात करें एनिमल के 11th डे मतलब आज के एडवांस बुकिंग की, तो आज की एडवांस बुकिंग भैया एकदम धरातल पे गिर गई है। हालांकि उसके बावजूद भी ये कई सारी बड़ी मूवीज की एडवांस बुकिंग मतलब पहले दिन की जो ओपनिंग होती है उससे कहीं ज्यादा ही है, बट फिर भी काफी नीचे आ गई है। ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए की इसकी आज की एडवांस बुकिंग हुई है। 3 करोड़ के बाद में इसके जो नंबर ऑफ शोज हैं हिंदी में वो 12,000 कर दिए गए हैं। एवरेज टिकट प्राइस कल जो 235 रुपए थी वो सडनली गिरकर 193 पर आ गई है, और इसके साथ में इसके टिकट जो बिके वो बिके करीब 1,20,000। इसके बाद तेलुगु की अगर हम बात करें तो यहां पर 1100 शोज हैं, 137 एवरेज टिकट प्राइस है और करीब करीब 20,000 के लगभग इसके टिकट बिके हैं। और हिंदी आईमैक्स 2D की अगर हम बात करें तो मात्र 55 शोज अब कर दिए गए हैं, एवरेज टिकट प्राइस भी 397 आ गया है और जो टिकट्स बेचे गए हैं वो 663 बेचे गए हैं। ऐसे में टोटल नंबर ऑफ टिकट जो है वो 1,45,000 मतलब करीब 1.5 लाख करीब टिकट बिके हैं। 3 करोड़ के लगभग कलेक्शन हुआ है और 14,500 के लगभग इसके शोज अब थिएटर में बचे हुए हैं। शुरुआत में इसके 16,500 के आसपास शोज थे जो कि अब इस कंडीशन में आकर पहुंच गए हैं। बात करें अब अगर हम एनिमल के अभी तक के कलेक्शन की, तो कलेक्शन इसका जैसे कहना कोई शुरुआत नहीं बताया, काफी फिनोमिनल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये वर्ल्ड वाइड अगर हम कलेक्शन की बात करें तो गदर 2 का जो कलेक्शन 690 करोड़ का हुआ था उसके रिकॉर्ड को भी इसने तोड़ दिया है। 10 दिनों में इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 710 करोड़ पहुंच गया है। तो ऐसे में इंडिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में इस साल की अब ये शाहरुख खान की मूवीज के बाद में जाकर बैठ गई है। टाइगर 3 तो खैर कहां पीछे घूम गई है, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ यहां पर एनिमल ने अच्छा कलेक्शन किया है। वीक 1 के कलेक्शन की बात करें तो 337 करोड़ का वीक 1 का कलेक्शन निकला था। इसके बाद में फ्राइडे को इसने 22 करोड़ का कलेक्शन किया, सैटरडे को इसने 34 करोड़ का कलेक्शन किया है, संडे को 37 करोड़ का इसने कल कलेक्शन निकाला जो कि काफी अच्छा है, और 90 दिन तक इसने 660 करोड़ रुपए कमा लिए थे। तो ऐसे में एक उम्मीद हम जता रहे हैं कि भाई इसने कल संडे को भी ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड लेवल पर कम से कम 50 करोड़ का बिजनेस तो किया ही होगा, क्योंकि 38 से 40 करोड़ तो इसने इंडिया में किया है। तो ऐसे में इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 700 करोड़ तो क्रॉस कर गया, ये बात सही। हिंदी में या इंडिया में इसका जो टोटल कलेक्शन है वो 434 करोड़ पहुंच गया, ऑलमोस्ट 435 करोड़ हम मान सकते हैं। तो यहां पर एक बढ़िया कलेक्शन इस मूवी ने निकाला है। सैम बहादुर ने भी ठीक ठाक कलेक्शन निकाल लिया। दोनों ही मूवीज अपनी जगह पर बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं और यही बात सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है इन दोनों ही मूवीज को लेकर। बाकी क्या इसका कलेक्शन और अपडेट आती है जरूर आपके सामने आऊंगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।